नमस्कार, मैं बीना सानी आज भी उपस्थित हुई हूँ और आशा करती हूँ लोग काफ़ी अच्छे स्वस्थ होंगे। कई तरह की मैं रेसिपी दे चुकी हूँ और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और जिन्होंने मुझे सब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ बेल के साथ मुझे सब करें और मेरा सब्सक्राइब करें, और जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक के साथ शेयर भी करें। मैंने काफ़ी तरह की रेसिपी दे सकती है, बीना सानी को सर्च करना बहुत सारी रेसिपी आ जाएंगी। और आज मैं बना रही हूँ गोभी की टिक्की। मैंने कटलेट भी दे रखे हैं गोभी के, लेकिन आज मैं गोभी की टिक्की दे रही हूँ। टिक्कियाँ मैं कई तरह के दे चुकी हूँ, तो आज किस तरह से बनाएंगे गोभी टिक्की चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने गोभी को कस लिया था, ये गोभी है कसी हुई है। मैंने हाफ के जी के करीब गोभी ली थी, उसी में से कुछ ले ली है, और इसी में मेरा हरा धनिया हरी मिर्च है, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये भी मेरे पास गोभी है, गोभी और आलू, एक आलू है बॉइल किया हुआ, आलू जरूर डालेंगे। और इसके साथ प्याज, एक प्याज है वो भी मैं मिक्स कर दूंगी। और ये मेरे कुछ मसाले हैं, मेरे पास गोभी के हिसाब से आधा किलो गोभी के हिसाब से और आलू वगैरह है, इसके हिसाब से मैंने आधा चम्मच से ज़्यादा नमक लिया है, थोड़ी मिर्च, अजवैन, थोड़ी सी कलर के हल्दी, गरम मसाला, इन सब को हम डाल लेंगे। और ये मेरे पास धनिया है, धनिया जो समोसों में डलता है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। समोसों वाला धनिया है, ये क्रश करके ही डालना चाहिए, ये क्रश करके ही हम डालेंगे, इससे एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है, एक अलग सा टेस्ट आता है। और इसके साथ मैंने लिया है बेसन, बाइंडिंग के लिए बेसन, थोड़ा सा आटा, ये मस्ट है तभी आपकी टिक्की बनेगी। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब बेसन डाल रही हूँ और 2 ही चम्मच में आटा डालूँगी, क्योंकि ये मस्ट है, इसके बिना टिक्की नहीं बन पाएगी। और 2 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर ऑयल, और इससे मैं एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी, इसका मैं एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी और 2 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। मैंने रेडी कर लिया है, डो तैयार हो चुका है, और हल्का सा हाथ पे तेल लगा दूँगी। छोटी छोटी टिक्कियाँ बना रही हूँ, मैंने पहले बहुत बड़ी बड़ी टिक्कियाँ भी दे रखी हैं, बस इन छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे हम, और इस तरह से तलते जाएंगे। तेल गर्म होना चाहिए, अच्छा तेल ऑलरेडी मैंने गर्म कर लिया था, 1/2 kg के करीब तेल है ये, बस इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाती जाऊँगी और इसको हम तल देंगे। हल्का सा तेल जरूर लगाना है हाथ में, इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ मैंने बनाई हैं, एक टिक्की में और डालूँगी। तेल जरूर लगाएं हाथ में क्योंकि चिपकता है वरना, इसमें बेसन मिलाया है, आटा मिलाया है बाइंडिंग के लिए, बेसन और आटा, इस तरह से आप चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। और इसको भी मैं बनाऊंगी, काफ़ी अच्छी लगती है छोटे बच्चों घर में, बड़े हों, कभी कभी शाम के टाइम सर्दियों के दिन में बारिशें हो रही हैं, कभी किसी चीज़ के पकौड़े, कभी किसी चीज़ के पकौड़े, गोभी हो गए, पालक होगी। और इसी तरह से जेली टिक्की भी मेरी रेडी हो चुकी है, और मैं इसको गैस को कर दूंगी ऑफ। और अगर आपको मेरा गोभी टिक्की जिसमें मैंने आलू भी मिलाया, बेसन भी मिलाया, आटा भी मिलाया, बच्चों के साथ बरसात के दिन है, बारिश और एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। मिलूंगी नैनी शरीर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।